हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा जो आज का लुक है आप देख ही रहे हैं और समझ भी गए होंगे। जी हाँ, ये पार्टी लुक है क्योंकि मुहर्रम ख़त्म हो चुके हैं, शादियों का सीज़न है, दावतों का सीज़न है, तो उसमें किस तरह से तैयार हुआ जाता है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आपको बआसानी मिल सकेगी। उसके अलावा जो मैंने ये मेकअप जिस चीज़ से अचीव किया है, जिन प्रोडक्ट से अचीव किया है, वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं। जी हाँ, मेरे पास भी कुछ पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट किसी भी अच्छी हाई एंड प्रोडक्ट से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मसला ये है कि मैं बाहर रहती हूँ, US में रहती हूँ, तो मेरे लिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई आता है तो ही आ सकती हैं वो, बाय मेल और पार्सल वगैरह करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से तो ये है कि मेरे पास जो चीज़ें थी उससे मैंने ये मेकअप अचीव किया है। और ये किस तरह से अचीव किया है, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आज जो मैं इतना मुस्कुरा रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, इरम नाम है, और वो उनको प्यार से इन्ना कहते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करो, इतना सीरियस मत रहा करें। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अच्छे मेकअप के लिए सबसे पहले हम स्किन को प्रेप करेंगे। ये मेरा क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र है, इससे मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी। और अगर आप मेकअप से पहले क्लिनजिंग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्लिनजिंग करने से आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा अच्छी सी शाइनी सी हो जाती है, जिसके बाद कोई भी मेकअप जो है आपके फेस पे बहुत ज़्यादा अच्छे से सूट करता है। देन मैं इसको हल्के हाथों से अपने फेस के ऊपर हल्का सा मसाज के थ्रू मॉइस्चराइज़र को एडजस्ट कर लूँगी। देन उसके बाद जो है मैं अपने फेस पे वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर लगाऊंगी। वेट एंड वाइल्ड की जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत रीज़नेबल होती हैं और अच्छी क्वालिटी की होती हैं, और आई थिंक दुनिया में हर जगह ही ये अवेलेबल है। तो इसका जो ये प्राइमर है ये मुझे बहुत पसंद है, ये जेल फॉर्म में है और बहुत अच्छे से फेस के ऊपर एडजस्ट हो जाता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। प्राइमर का काम जो होता है स्किन के ऊपर जितने भी आपके गढ़े और ओपन पोर्स होते हैं, इस टाइप की चीज़ें, उनको ये फिल कर देता है और सरफेस को एकदम स्मूथ कर देता है। देन उसके बाद जो है मैं अपने फेस पे ये एसेंस का फाउंडेशन है, स्टे आई थिंक 12 आवर लिखा हुआ है इस पे, और ये जो है ये विटामिन सी सीरम है, ये मैंने वॉलमार्ट से लिया था, बेस्ट सीरम है, आई रियली लव इट, विटामिन सी के नाम से है और बहुत अच्छा है ये इस तरह का। और इसको जब फेस पे मैं लगाती हूँ तो ये जेल की तरह होता है और ये ड्रिप नहीं करता, और मैंने इसके सिर्फ 3 ड्रॉप लिए हैं अपनी जो बेस है बनाने के लिए, जो फ्लॉलेस सी, तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने जो है फाउंडेशन में थोड़ा सा सीरम मिला लिया है ताकि मेरी जो स्किन है वो भी अच्छी रहे, नरिश रहे, और जो मेरी बेस है वो भी थोड़ी सी थिन बने। और इसकी खुशबू दोनों की बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, और ये सीरम अगर आप ले सकें तो ये सर्दियों में बेस्ट है। ये आपके कलर को ब्राइटनिंग करता है और स्किन को स्मूथ रखता है। देन उसके बाद ये जो है मैं चपटा सा ब्रश है, इसके थ्रू मैं अपने फेस पे सारा फाउंडेशन जो मैंने अपने हाथ पर सेट किया था उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। और ये जो फाउंडेशन है मैं हाथ पे इसलिए अप्लाई करती हूँ क्योंकि हाथ जो हैं वो धुलते रहते हैं हमारे और हाइजेनिक होते हैं, तो मैं अपने हाथ पे इस तरह का काम करना पसंद करती हूँ। अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप रख के बेस को अपने सेट कर सकते हैं, जिस तरह से उसकी प्लेट्स होती हैं छोटी सी बेस बनाने की, तो इस टाइप की चीज़ें अगर साफ़ सुथरी हैं तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, वरना जो होता है कि आपको सफाई की वजह से स्किन पे कोई भी एलर्जी और रिएक्शन होने का डर हो सकता है। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैंने फाउंडेशन अच्छे से फेस के ऊपर अप्लाई कर ली है, और इसके अंदर जब हमने सीरम मिलाया तो उससे जो बेस है फाउंडेशन है वो बहुत पतली सी अच्छी सी हो जाती है और अच्छे से अप्लाई हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन जो है फ्लॉलेस लग गई है मेरे फेस पे और ये नेचुरल लगती है। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है
अब आईब्रो को किस तरह से हमने सेट करना है, तो ये मेरा आई स्टूडियो का जेल लाइनर है, यही मैं यूज़ कर रही हूँ। मिडल से मैं स्टार्ट करूँगी आईब्रो की, ताकि जो मेरी डार्क जो है प्रोडक्ट काफ़ी डार्क है ये, तो ये जो है मिडल में लगे, और जो स्टार्टिंग में जो आईब्रो होती हैं वो थोड़ी हल्की होती हैं, तो इस तरह से जो होता है आपका ब्रश काफ़ी इसमें कम प्रोडक्ट रह जाती है जब आप स्टार्टिंग पे आते हैं। तो ये है कि आप जो है आईब्रो जो है मीडियम बनाएं, ना बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतली। लोग क्या करते हैं, बहुत मोटी मोटी आईब्रो बना लेते हैं, बहुत पतली लकीर की तरह आईब्रो बनाते हैं, तो ऐसी आईब्रो अच्छी नहीं लगती ना नेचुरल लगती हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आईब्रो अपनी ड्रॉ की है, क्योंकि आजकल जो है आईब्रो भी इतनी कोई मेरी तो इतनी कम हो गई है, लगता है मेकअप कर करके बिल्कुल। और अब जो है मैं इसके ऊपर जेल लगा रही हूँ, तो ये कि मेकअप के बाद बड़ी नेचुरल सी और अच्छी सी लगती है, वह फेक लुक नहीं आता। तो मैंने दोनों आईब्रोज़ पे जेल लाइनर अप्लाई कर लिया है। देन उसके बाद अब मैं कंसीलर ले रही हूँ, वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर है ये मेरा, और मैं इस तरह से अपनी आईब्रो को ड्रॉ कर रही हूँ। अब देखें किस तरह से मैं, सॉरी ड्रॉ नहीं कर रही, फिनिशिंग कर रही हूँ ब्रो बोन के नीचे और फॉरहेड पे। आईब्रो के ऊपर मैं इसको अच्छे से इसको नीडनेस कर रही हूँ, ताकि जो आईब्रो है बिल्कुल फाइन सी और ख़ूबसूरत सी लगे। देन इसको ऊपर की तरफ मैं इसको सेट कर दूँगी, ताकि जो कंसीलर है वो अच्छे सा इवनली ये सेट हो जाए। देन उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं, डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, थोड़ा सा गीला है ये, बहुत लाइट सा, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से मैं डैप डैप करके सेट कर लूँगी, और उंगली की मदद से भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैं जो है कंसीलर अपनी आईलेट पर अप्लाई कर रही हूँ, और आइस के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो मेकअप है इसमें मैं सारी चीज़ें अपनी रेडी कर लूँगी, फाउंडेशन कंसीलर, देन उसके बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। और पहले इसी तरह करते थे, बड़ा आसान लगता है इस तरह से मेकअप करना, लेकिन कभी ये होता है कि बंदा आईज से स्टार्ट करता है तो फॉल आउट, कुछ आई शेड होते हैं उनका फॉल आउट बहुत होता है, तो बंदा क्या करता है सिर्फ आईब्रो बना के, सॉरी बंदी क्या करती है कि सिर्फ आईब्रो बना के और ऊपर आई शेडो अप्लाई कर लेती है, देन उसके बाद नीचे से फेस को क्लियर करके साफ़ करके फिर उसके बाद मेकअप शुरू करते हैं बाकी का, तो उससे क्या होता है फेस ख़राब नहीं होता। अब जो है मैंने जो है ट्रांसलूसेंट पाउडर है ये, जिसको बेकिंग पाउडर, बनाना पाउडर और इस तरह से कहते हैं, लूज़ पाउडर कहते हैं, तो ये मैंने अपनी आईज़ के नीचे लगा लिया अच्छा खासा ठीक ठाक, क्योंकि अगर फॉल आउट हो तो वो इसी पे गिरे जो भी प्रोडक्ट है। और ये है मेरी स्पेशल रोमांटिक रोमांटिक पैलेट है ये पाकिस्तान से आई है, और ये बहुत स्पेशल है, और इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं, और अगर आपके पास ये पैलेट है तो आपको किसी और पैलेट की ज़रूरत नहीं है। अपनी पाकिस्तानी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत पसंद आई है, और इसमें इतने सारे कलर हैं, आई रियली लव इट। और लग्जीरियस रोमांटिक पैलेट इसका नाम है, और बड़ी खूबसूरत सी है बाहर से, और इस तरह से ये खुलती है, और देखें आप कितने सारे कलर हैं, मुझे बहुत पसंद आई है, आई रियली लाइक इट। तो इनमें से मैं कलर, ये देखें इसके अंदर ये ग्लॉसी से कलर है, शिमर वाले कलर हैं, ग्लिटर वाले हैं, और ट्रांजिशन शेड्स हैं, एक पूरी जो रॉ है उसकी ट्रांजिशन शेड की है, फिर उसके बराबर में जो है वो भी थोड़ा सा मतलब ट्रांजिशन है, थोड़ा सा ग्लॉस है उसमें, तो इस तरह के बहुत सारा, कौन सा ऐसा कलर है जो उसमें नहीं है। चलें तो आज फिर इसी से हम अपने आई शेड कम्प्लीट करेंगे, तो मैं एक फ्लफ़ी ब्रश लेके और ये वाला पिंक ले कलर लेके इसी पैलेट से अपने आई लिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, ट्रांजिशन शेड है ये, और इसको मैं बिल्ड कर रही हूँ। देन उसके बाद जो है मैंने ये चपटा रेल टेक्निक का ब्रश लिया है, उसकी मदद से ये वाला जो पिंक है थोड़ा सा डार्क वाला, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ वहाँ पर जहाँ पर आप फुल कट क्रीज करते हैं उस एरिए पर, उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि चपटे ब्रश से अच्छे से अप्लाई हो जाता है। तो उसके बाद दोबारा अपना फ्लफ़ी ब्रश लेके मैं अपने जो है आईलिड को सेट कर रही हूँ, अच्छा सा इसको ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि जो है कोई हार्श लाइन ना दिखे और बड़े अच्छे से लगें सेट हुए हुए आई शेड्स। देन उसके बाद मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया है, ट्रांजूशन पाउडर, उससे मैं थोड़ा सा इसको लाइट कर रही हूँ फ्लफ़ी ब्रश की मदद से, क्योंकि मुझे डार्क लग रहे थे। देन उसके बाद ये वाला पिंक लेके मैं इस एरिया में थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, ताकि जो है मेरे थोड़ा सा डार्क पिंकिश सा कलर आ जाए। देन उसके बाद जो है अब मैं ये दो पर्पल कलर ले रही हूँ इसी पैलेट में से,
लग्जीरियस रोमांटिक पैलेट में से, देन उसको इस तरह से मैं कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ। उसके बाद मैं ये कंसीलर की मदद से मिडल में बिल्कुल कंसीलर लगा रही हूँ अपनी आईज़ के ऊपर, और इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी ग्लिटर। उससे क्या होगा कि बड़ा ड्रामेटिक, बड़ा खूबसूरत सा लुक आता है, और इस तरह का मेकअप मुझे बहुत पसंद है। इसमें आपकी आईज़ जो हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और बड़ी लगती हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इधर कंसीलर क्यों लगाते हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि इसके बीच में जो मिडल में मैंने लाइट कलर लगाना है, और लाइट कलर लगाने के लिए सबसे पहले मैं कंसीलर लगाऊंगी ताकि जो कलर है वो बड़ा पिगमेंटेड सा नज़र आए, देन उसके बाद में जो इस पर ग्लिटर अप्लाई करने हैं। तो ग्लिटर के लिए ब्यूटी वर्ल्ड का ये मेरे पास पैलेट है, ये भी मुझे पाकिस्तान से मेरी सिस्टर ने भेजा था, और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत पिगमेंटेड है, और ये प्रेस ग्लिटर है, और किसी भी हाई एंड जो ग्लिटर हैं कंपनीज के उनसे कम नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक ही स्वैच से कितना प्यारा आ गया है। और इसको मैं ये फ्रोजी वाला मैं लगा चुकी हूँ, इसकी वीडियो बनाना भूल गई थी, देन आँखों के नीचे मैंने ये वाला पिंक कलर अप्लाई किया है, पिंक लाइट और डार्क का शेड, और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ आँख के नीचे ताकि जो मेरी आइज़ हैं वो बड़ी लगें और ऊपर के जो आई शेड्स हैं उससे मैच हो सके। इस तरह की जो आईज़ हैं बहुत खूबसूरत लगती हैं, स्पेशली जब सर्दियों के सीज़न हो, मौसम ज़रा अच्छा हो, तो ऐसे मेकअप बड़े अच्छे लगते हैं। अब जो है नेक्स्ट मैं अपने आईज़ के ऊपर आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, और जेल आईलाइनर है ये, और जो लाइनर है उसके मैं विंग्स नहीं बनाऊंगी, ये बग़ैर विंग्स के बनेगा, ऐसी सादा वाला बग़ैर विंग्स का। तो उसके लिए जो है मैंने जस्ट आईलाइनर अप्लाई किया है, और इसके ऊपर बस मैं लैशेस लगाऊंगी। इस तरह का जो आईलाइनर है ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, और इससे आईज़ बहुत प्यारी लगती हैं, बड़ी लगती हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने जो है आउटर कॉर्नर पे लगाया और उसको मिडल तक ले गई, फिर मिडल से लेके इनर कॉर्नर तक लगाया है। तो अब आप देख रहे हैं, अब मैं आँख के नीचे भी वही ब्रश जिसमें कम प्रोडक्ट लगी हुई है उसको मैंने थोड़ा सा आँख के नीचे भी अप्लाई कर लिया, देन उसके बाद मैंने आईज़ के अंदर वाइट कलर की शाइनी सी आई पेंसिल लगाई है। उससे क्या होता है कि आपकी आईज़ जो हैं बड़ी बड़ी लगती हैं, तो ये ज़रूर लगाया करें जब आपको आँख के अंदर काजल नहीं लगाना होता। देन उसके बाद एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो मिस्टेक करते हैं लोग कि आँख के पलकों के नीचे जो है ना आईलाइनर लगाना भूल जाते हैं, तो प्रोफेशनल लुक नहीं आता आईज़ का, मेकअप का वो लुक नहीं आता जो आना चाहिए। देन उसके बाद मस्कारा अप्लाई किया और हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। मैं बहुत बारीक सा लाइन लगा रही हूँ, एक जस्ट लाइन टाइप की, क्योंकि मुझे जो है हाइलाइटर बहुत नाजुक सा पसंद है आईब्रो के नीचे, वो बहुत खूबसूरत लगता है जब वो शाइन करता है। तो हाइलाइटर मैंने लगा लिया है, देन उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये मेरा हुदा का है छोटा सा पैलेट, बड़ा क्यूट सा, और इसके सारे जो शेड है बड़े हाइलाइटेड से हैं, और वही मैं आईलिट के सॉरी ब्रो बोन के नीचे मैं ये लगा रही हूँ हाईलाइट करने के लिए, और यही मैं टेयर डॉट पे भी अप्लाई करूँगी। अब जो है मैं आईलैशेस अप्लाई करूँगी, और देखें क्या स्टाइल है, चुटकी बजाई और ये देखें आईलैशेस लग गई। ये वाला जो स्टाइल है उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और आईज़ के नीचे जो मैंने बेकिंग पाउडर लगाया हुआ था ट्रांसलूसेंट पाउडर, इसको मैं ब्रश की मदद से झाड़ लूँगी साफ से ब्रश की मदद से, क्योंकि आई शेड कम्प्लीट हो गए हैं और अब कोई मैस नहीं होगा और मेरा फेस बिल्कुल क्लीन क्लीन क्लियर क्लियर निकल आया है। तो इससे ये फ़ायदा होता है अगर आईज़ के नीचे आप पाउडर लगा लें। देन उसके बाद जो है मैं अब यूज़ करूँगी अपना कंसीलर, एज रिवाइंड कंसीलर, वन एंड ओनली। मेरे पास हर तरह के कंसीलर हैं लेकिन ये मेरा बेस्ट है। इसको मैं टी जोन पे लगाऊंगी अपनी आईज़ नोज़ के ऊपर, माथे पे, और थोड़ी पे जिसे कहते हैं चिन बॉल पे, और इस तरह से मैं इसको लगा के और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको डैप डैप करके अच्छे से सेट कर लूँगी। चाहे तो इसको आप ब्रश से भी कर सकते हैं, अपने फिंगर से भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो बस ये होते हैं टूल्स होते हैं, अगर ये आपके पास हैं तो आप यूज़ करें, वरना हाथ जो अल्लाह मियाँ ने दिए हैं बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत अच्छा मेकअप हो सकता है। देन उसके बाद मैं ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ, और उससे पहले मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। ये जो कॉन्टोर किट है
ये मेरी है रेवोल्यूशन की, ये आई शेड किट है, इसी में से मैंने ब्राउन कलर लेके कॉन्ट्रोल कर रही हूँ। ये कलर मुझे बहुत पसंद है, ये किसी बहुत कम पैलेट्स में इस टाइप के कलर होते हैं जो मुझे पसंद है कॉन्ट्रोलिंग के लिए। तो ये मैं इस तरह से इसको शार्प कर रही हूँ कंसीलर लगा के। अगर आपको शार्प कॉन्ट्रोलिंग पसंद है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, इस तरह से आप पाउडर अप्लाई कर सकते हैं, कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपकी जो बोन है ये बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाएगी, और जो आपका जो ये चीक्स के ऊपर जो ये आपकी बोन होती है इसको भी हाईलाइट करने के लिए आप कर सकते हैं। आजकल ये बहुत फैशन में है, आपकी जो कॉन्टोरिंग है बहुत शार्प सी, और इससे आपका फेस बहुत पतला लगता है। ये भी मेरा पाकिस्तान का ही वो है, क्या कहते हैं, ब्लश ऑन है, और ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये किसका है, आई थिंक पता नहीं कौन सी कंपनी है, इस पे से नाम भी मिट गया है। ये भी पाकिस्तान का है जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में यूज़ करती हूँ, और आप देख लें कितना पिगमेंटेड सा है ये, और मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद जो है मेरा सेफोरा का सेटिंग स्प्रे है, मैंने ये लगाया अपने फेस पे। उसके बाद मैं ये हाईलाइटर लगा रही हूँ, ब्लश ऑन है हाईलाइटर, पिंकिश सा है, पीची सी था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। एक टिप्स देना चाहूँगी, आप जब भी हाइलाइटर यूज़ करें तो उससे पहले जो है सेटिंग स्प्रे कर लें, उससे जो होता है हाइलाइटर उसकी वो अच्छी ग्रिप हो जाती है, अच्छे से फेस के ऊपर सेट हो जाता है। देन उसके बाद जो है ये मैंने लिप्स पेंसिल यूज़ करी रिवाज की, ये भी पाकिस्तान की, और ये लिपस्टिक भी पाकिस्तान की है, पिंक सा शेड है, इस पे से नाम मिट चुका है, और ये मुझे बहुत पसंद है, थोड़ी सी इसमें स्मेल है, खुशबू है। देन उसके बाद जो है ये मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ, और मैं मुझसे अपने बालों पे हेयर स्टाइल इतना कोई ख़ास नहीं बनता, इस वजह से मैं ज़्यादा हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, और मैं दूसरों के बना सकती हूँ लेकिन अपने पे बनाना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर दें चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो सकें, और अच्छी लगे वीडियो तो फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। अब जो है मैं अपना हेयर स्टाइल बना रही हूँ, और ये बहुत सिंपल सा आसान सा है, और मुझे अपने बालों पर इतने ज़्यादा हेयर स्टाइल बनाने नहीं आते, मैं दूसरों के बना लेती हूँ। तो ज़्यादातर आप देखते होंगे मैं मेरी वीडियो में हेयर स्टाइल कम होते हैं, तो कोशिश करती हूँ सिखाने की आप लोगों को जितना मैं जानती हूँ और जितना मैंने सीखा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं जब मेकअप करती हूँ तो ये इनसाइड घर के करती हूँ और घर की लाइटों में, देन ये जो है विंडो है यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है जो डे लाइट होती है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा मेकअप बिल्कुल सेट है, परफेक्ट है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद करती हूँ इसी तरह आप देखते रहेंगे वीडियो। अल्लाह हाफिज़।